Hello friends, and very warm welcome to Chicky's Biology, another video. In this video, today we will discuss all about BTech in Biotechnology course. आज हम लोग अपने इस course के बारे में बात करेंगे. तो friends, ये एक 4 year का undergraduate course होता है. इसको आप लोग physics, chemistry, math या physics, chemistry, biology दोनों ही stream से अपना 12th class करने के बाद कर सकते हैं. जो आईआईटी या एनआईटी होता है वहां से इसको आप लोग तब कर सकते हैं अगर आपका 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हुआ है. अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हुआ है तो आप इसको आईआईटी या एनआईटी से नहीं कर सकते. इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन होता है इस कोर्स में, वो आईआईटी जेई मेंस और एडवांस एग्जाम के बिहाफ पे होता है. तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को नहीं दे सकते. बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं इस कोर्स को बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से या सेंट्रल या स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां से कर सकते हैं. और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस कोर्स को ऑफर करती हैं पर ईयर बहुत सारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स को. फ्रेंड्स, ये कोर्स है क्या, अभी कोरोना का पेंडेमिक आया था. कोरोना के पेंडेमिक में जो है बहुत सारी वैक्सीन्स जो है बनाई गई थी कोरोना वायरस के अगेंस्ट में. ये जो वैक्सीन्स बनाई गई थी ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स के थ्रू ही बनाई गई थी, क्योंकि वैक्सीन को कैसे बनाना है इसकी जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है या जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके सिलेबस में होता है. मीन्स की जो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं उनको वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग या वैक्सीन की आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करना है ये सिखाया जाता है. तो ये बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के करिकुलम में आता है. तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया होगा. और बहुत सारी जो मेडिसिंस होती हैं उनकी आरएनडी या नई नई मेडिसिंस जो खोजी जाती हैं उनको भी जो है बायोटेक्नोलॉजिस्ट खोजते हैं. या फिर फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत बड़ा रोल है. अगर कहीं पर कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ पर उस क्रिमिनल को कैसे खोजना है, अगर उसका कोई वहां पे बाल टूट के गिर गया है तो उस बाल में उसका डीएनए होगा. और डीएनए जो है हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है. तो डीएनए की पहचान करना जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू, ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट का ही काम होता है. तो इसका रोल फोरेंसिक साइंस में भी होता है. ये आपको पता चल गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बाद में क्या क्या जो है वहां पे करना होता है या कर सकते हैं. अब जो बायोटेक्नोलॉजी है ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी. मींस कि इसमें हम लोग बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके उनमें जेनेटिक लेवल पे मॉडिफिकेशन करते हैं और उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो है वहां पे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होते हैं. इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं. और ये 4 year का कोर्स है और इसको जो है 8 semesters में बांटा गया है. कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने होते हैं इस पे मैंने बहुत सारी सेपरेट वीडियोस जो है चिकीज बायोलॉजी चैनल पे बना रखी हैं. अगर आप लोगों को उन सभी वीडियोस का लिंक चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. इस कोर्स की फीस जो है वो वेरी करती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ज्यादा होती है, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वहां पे कम होती है. और इस कोर्स को करने के बाद कहाँ कहाँ पे आपका जो है प्लेसमेंट हो सकता है, बहुत सारी फार्मा कंपनीज या बहुत सारे आरएनडी जो सेंटर्स होते हैं वो आपको रिक्रूट कर लेते हैं. इसमें बहुत सारे हैं, लाइक जैसे कि सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है या डॉक्टर रेड्डी बायोलॉजिक्स है, या फिर भारत सीरम है, या फिर बायोकॉन है, बहुत सारे जो हैं रिक्रूटर्स हैं इंडिया के अंदर या फिर फॉरन में जो है इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है. डेवलपिंग कंट्रीज में इस कोर्स का बहुत कम स्कोप है या बहुत कम जॉब्स हैं, बट जो डेवलप कंट्रीज हैं लाइक जैसे कि अमेरिका, वहाँ पे इस कोर्स का बहुत स्कोप है या बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है. और जॉनसन एंड जॉनसन भी जो है पर ईयर बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट को जो है वहाँ पे जॉब देता है. अब सैलरी पैकेज जो है क्या हो सकता है, अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट कॉलेज से आपने इस कोर्स को किया है तो आपका जो पैकेज हो सकता है वो हो सकता है 3 to 5 lakh का. बट अगर आपने इस कोर्स को आईआईटी या एनआईटी से किया है तो आपकी सैलरी जो है 15+ LPA वहाँ पे जा सकती है. ये आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए. तो फ्रेंड्स, ये कोर्स क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं ये मैंने आपको जो है बताया. इस कोर्स से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में
टाइप कर सकते हैं। इस कोर्स को सॉरी करने के लिए बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक जैसे कि अमेटी यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, थापर यूनिवर्सिटी। और इस कोर्स को करने के बाद आप लोग हायर एजुकेशन में एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। आईआईटी से अगर करना है तो गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, एनआईटी से करना है तो भी गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर इस कोर्स को करने के बाद आप एमबीए करना चाहते हैं आईआईएम से तो आप वो भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कैट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप लोग इस डोमेन में पीएचडी करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी डोमेन में, तो उसके बाद फिर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर साइंटिस्ट बन सकते हैं। और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बाद आप लोग जो है एज अ रिसर्चर या एज अ साइंटिस्ट या केमिस्ट या R&D में काम कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।